श्रोताओं आज की पहेली लिए हमने श्रीमान धनंजय जी की। इनकी पहेली इस प्रकार है, ऐसा कौन बलि बलवान गजब की माया, जाको पुत्र गर्भ में नाए पुत्र बधु लाया। श्रोताओं आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, तभी आपको हमारा ज्ञानात्मक वीडियो मिल सकता है। तो श्रोताओं श्रीमान धनंजय कुमार जी की बहुत ही सुंदर पहेली, ऐसा कौन बलि बलवान गजब की माया, जाको पुत्र गर्भ में नाए, अर्थात ऐसा कौन सा बलि बलवान था, यानी उसका पुत्र भी गर्भ में नहीं था और पुत्र वधु लाया और अपने पुत्र के लिए शादी के लिए एक लड़की लेकर आया था जो उसकी पुत्र वधु हुई। तो श्रोताओं इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं विष्णु पुराण की तरफ। विष्णु पुराण की यदुवंश की एक बहुत ही सुंदर कथा। संसार में स्त्री के वशीभूत जो जो लोग होंगे और जो जो पहले हो चुके हैं उनमें सैव्या का पति राजा ज्यामघ ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री सैव्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ घोड़े और हाथियों के संघर्ष से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र मित्र स्त्री सेना और कोषादि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा जो अत्यंत भय से कातर हुई विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात हे मात हे भ्रात मेरी रक्षा करो रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुल पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, ये अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन हूँ और बंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए अथवा इसे अपने रथ पर बैठा कर अपने निवास स्थान को ले चलता हूँ और वहाँ देवी सैव्या की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूँगा। तदंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पुरवासी सेवक कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी सैव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपल चित्त, तुमने रथ में ये किसे बैठा रखा है। राजा को भी जब कोई उत्तर ना सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, ये मेरी पुत्र वधू है। तब सैव्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं है और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संपन्न हुआ, फिर आपका किस कारण इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ। इस प्रकार सैव्या की ईर्ष्या
और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने ये पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। ये सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न पूरा संक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण की योग्य अवस्था ना सैव्या की थी, तो ना रहने पर भी सैव्या ने गर्भ धारण कर लिया, उनके गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधु का पाणी ग्रहण हुआ। उसे विदर्भ ने कृथ और कौशिक नामक दो पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया। रोमपाद के बब्रू के धृति के कैशिक, कैशकी के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संति में चैद राजाओं ने जन्म लिया। तो इस प्रकार से जामक की पुत्र वधु के पुत्र कृत के कुंती नामक पुत्र हुआ। तो श्रोताओं, आगे तो इनकी श्रृंखला चली जा रही है, अब हम हमारी पहली की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन वली बलवान गजब की माया, जाको पुत्र गर्भ में नाए पुत्र वधु लाया। तो श्रोताओ, वह राजा जामक था, जो स्त्री की बातें सबसे ज्यादा मानता था, और वह जब युद्ध में जीत कर आ रहा था तो ये एक राजकन्या को बिठा कर लाया। और जैसे ही जामक की रानी ने, जिसका नाम सैव्या था, उसने देखा कि राजा नई रानी लाया है, तो क्रोध से पूछ लिया। तो राजा डर गया और उसने कहा, यह पुत्र वधु है और आपके जो पुत्र होगा उसके साथ ही हम विवाह करेंगे। तो श्रोताओ, रानी गर्भ धारण करने योग्य भी नहीं थी, सैव्या थी जो, लेकिन फिर भी उसके ईश्वरीय कृपा से गर्भ धारण हो गया और उसके विदर्भ नामक पुत्र हुआ। और विदर्भ के भी अन्य आगे संपत्ति हुई, लेकिन विदर्भ के साथ जो जामग राजा कन्या लेके आया था, जिसको पुत्र वधु कहा था, उसी के साथ विवाह किया। तो श्रोताओ, अब पहेली लग चुकी है, अब हम एक बार और पढ़ते हैं इसको। ऐसा कौन वली बलवान गजब की माया, तो ऐसा जामग नाम का राजा था, जिसकी रानी सैव्या थी, जाको पुत्र गर्भ में नाए पुत्र वधु लाया, और पुत्र पैदा होने से पहले ही पुत्र वधु लेकर आ गया। धन्यवाद।